अभी हम भगवान हनुमान जी के धाम पर पहुंच गए हैं और ये रामनगर के छोई एक जगह है, वहाँ स्थित है, तो काफ़ी प्रचलित है। तो आइए आपको हम हनुमान धाम, हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम जब यहाँ पहुँच गए तो हमने प्रसाद लिया। ये प्रसाद की सारी दुकानें हैं, इनमें प्रसाद वगैरह चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह मिलता है, तो आप आगे यहाँ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। सारी प्रसाद दुकानें हैं, शॉप्स हैं। और ये इनके जो मेन गेट है, इस मेन गेट में अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन का काम चलते रहता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पूरन है। मैं आज आपको हनुमान जी के मंदिर हनुमान धाम में लेके आया हूँ, हनुमान धाम में हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। तो मैंने आपको दर्शन करवाए हैं और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगह पर बना हुआ है और काफ़ी इसकी काफ़ी प्रचलित मंदिर है। लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से अपने यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी जो भी उनके मन में वो होती हैं, उनके अपने मन की मुरादें पूरी करती हैं, उनके भगवान उनके मन की मुरादें पूरी करता है और उनकी रक्षा करता है। अब आप यहाँ पर अपने शूज वगैरह उतार सकते हैं। अभी हमने शूज वगैरह उतार लिए हैं, अब हम अपने मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के थ्रू। अब आप देख सकते हैं ये मंदिर का एंट्रेंस आ गया है और मंदिर प्रांगण में हम लोग आ गए हैं। ये सारे लोग जितने भी वो दर्शनार्थी हैं, सब लोग आ रहे हैं और दर्शन करेंगे। हम लोग भी दर्शन करेंगे और आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली उस जो मेन गेट है वहाँ से अंदर गए थे, तो बस वहाँ पर बोल दिया कि वहाँ पर अंदर में फ़ोटो लेना मना है करके, तो हम इस दरवाजे से आए हैं। यहाँ से आप, यहीं से हम आपको भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। देखिए भगवान जी के दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी की मूर्ति है सामने में, जो सुंदर प्रतिमा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान यहाँ पर, हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंदिर के पुजारी जी ने हमें मंदिर के विषय में काफ़ी बताया, जो आप आगे आवाज़ सुनेंगे, पुजारी जी की आवाज़ होगी। ये है मंदिर, ये ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। हाँ, ये मंदिर का निर्माण, ये विशेषकर हनुमान धाम बनाया गया है। हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं पर हनुमान धाम बना नहीं है। अच्छा, ये विशेषकर हनुमान धाम बनाया गया है। यहाँ हनुमान जी के 9 स्वरूप हैं, 12 लीलाएं हैं। अच्छा। पूरे 21 स्वरूप हैं। अच्छा। हाँ, जितने हमारे पुराणों में बताए गए हनुमान जी के स्वरूप, वो सारे विद्यमान हैं इधर। और यहाँ हनुमान जी की ये जगह पर हनुमान जी ने विश्राम किया था। हमारे पुराण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो द्रोणागिरी पर्वत ये चमोली में पड़ता है, तो इस जगह विश्राम करके गए। पुराण में भी लिखा हुआ है, जो हमारे आचार्य विजय जी हैं, उनका कहने का भी वो है कि जो हनुमान जी ने विश्राम किया। और इस मंदिर का उद्देश्य यह है, जिस तरह हनुमान जी ने हमने जीवन का उद्देश्य रखा सेवा समर्पण भक्ति श्री राम के प्रति, वही इस मंदिर का उद्देश्य है। मंदिर के साथ विकलांग हॉस्पिटल भी बन रहा है, वृद्धाश्रम भी बन रहा है, सीता रसोई बन रही है, वाटिका बन रही है। कोई यहाँ जो विकलांग हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा उनका। जिनको परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला है, हाथ पैर शरीर के कोई भी अंगों में कमी है, यहाँ निःशुल्क इलाज होगा। अभी फिजियोथेरेपी चल रही है, जिसके कहीं भी दर्द है बदन में, निःशुल्क इलाज चलता है। सीता रसोई बन रही है, इसमें हर मंगलवार शनिवार को भंडारा चलेगा। बाकी इधर से जो भी अनाथ आश्रय हैं, गरीब विद्यालय हैं, जैसे जहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिलता है, यहाँ से भोजन बन के जाए, उनकी व्यवस्था हो रही है। बाकी वृद्ध आश्रम बन रहा है, जो लोग अपने पारिवारिक या सामाजिक कार्य से निवृत्त हो चुके हैं, वो यहाँ सेवा दे सकते हैं। हाँ, वो लोग भी यहाँ आके सेवा दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी ट्रस्टी कॉटेज बन रखा है नीचे, जो यहाँ के मेंबर वगैरह हैं, उन लोगों ने अपने डोनेट करके अपने रहने की व्यवस्था, जैसे वो एक हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए आना चाहते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था है। मंदिर ट्रस्ट में होगा, ये ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। ट्रस्ट के साथ भी पब्लिक का भी सहयोग है, दान दाताओं का बहुत सहयोग है। पब्लिक नहीं आती है, कोई रेसिप करता है, कोई दान पेटी में आ जाता है, उनका भी सहयोग है।
हमारे ये हमने अपने धर्म के लिए भी हमने अपने धर्म को भी बचाना है। जी जी हाँ, अपने धर्म को भी बचाना है, हमने हिंदुत्व को भी बचाना है। हाँ जी बिल्कुल, इसी भी हमें अपने धर्म का भी प्रचार करना है, ये हमारा उद्देश्य है। अभी हम मंदिर में पूजा करके आ गए हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ा के आ गए हैं, और अपनी मनोकामना के लिए ये हम रक्षा धागा अपने बांध रहे हैं। जैसा कि अभी आपने हमने आपको दिखाया, अंदर मंदिर में जब हम प्रवेश किया तो फिर वहाँ पर मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो हम आपको वीडियो पूरी तरह से, फिर भी हमने कोशिश की जितना आपको दिखाने की, परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद थोड़ा बहुत वीडियो आपको दिखा पाएंगे। तो जो एक्चुअल अंदर में वीडियो बनाना मना है, और ये बनाना भी नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी यह है कि आप लोगों को दिखाना था, इसलिए हमने थोड़ा बहुत परमिशन लेके वीडियो बनाई है। आइए देखिए, बाहर में कुछ मंदिर और भी हैं, तो इन मंदिरों को देखते हैं, इनमें क्या क्या है, क्यों कौन कौन से भगवान जी का मंदिर है। ये है माता, ये दुर्गा माता जी का मंदिर है। आज देखिए एक झलक आप दुर्गा माता की, यहाँ पुजारी जी बैठे हुए हैं। अभी आप मेरे सामने में देख रहे होंगे, ये लिफ्ट प्रोविज़न भी बन रहा है, यहाँ पर लिफ्ट बन रही है, और आने वाले टाइम में काफ़ी सुविधा हो जाएगी भक्तों को। आइए एक मंदिर इधर है, ये मंदिर को देखते हैं। मंदिर में मुझे ऐसा लग रहा था नंदी जी को देख के कि शिव भोलेनाथ जी का मंदिर होगा, भोलेनाथ जी के दर्शन करवाते हैं आपको। ये शिव पार्वती जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी सबकी रक्षा करते हैं, तो आप भी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। अभी पुजारी जी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने में फाउंटेन वगैरह हैं, और ये अभी एक्चुअली मैं आपको अंदर नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर में क्या है, ताला लगा हुआ है, अभी बाहर लॉक है अंदर जाने के लिए। तो बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने में देखिए, मेरे सामने में भोलेनाथ जी की मूर्ति है, इधर देखिए हनुमान जी की मूर्ति है, कितनी बढ़िया वो बना के एक स्टैचू बना के उसमें रखा हुआ है, और इधर ये बैठने का अरेंजमेंट इतना बहुत अच्छा किया है। शाम के टाइम में जब आप कभी यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो शाम के टाइम में आइए। शाम के टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर ये सब खुल जाता है, लॉक होकर खुल जाते हैं, अंदर जाने का एंट्रेंस हो जाता है, तो आप यहाँ पर बैठ के आनंद ले सकते हैं। और ये फाउंटेन वगैरह जो है, इनमें पानी जो है, फव्वारे वगैरह जो है, सावर्स जो हैं, ये शाम को ही खुलते हैं, तो शाम को इन चीज़ों को देखने का एक अलग रंगत आती है। इसमें पूरा लाइटिंग वगैरह होती है, लाइटिंग वगैरह में ये इनको देखते हैं, फाउंटेन जो ये इनके वो निकलते हैं फव्वारे, और जो तो काफ़ी मनमोहक होते हैं। कभी आइए शाम के टाइम में और देखें इसका नज़ारा, देखिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट देना नहीं भूलें, कॉमेंट्स अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।